बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या अज़रबैजान में जॉब्स अवेलेबल हैं और अगर अवेलेबल है तो कौन कौन से हैं, किस तरह कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि अज़रबैजान एक टूरिस्ट कंट्री है, वहाँ पे आप टूर करके जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत खूबसूरत कंट्री है, तो आप ये कर सकते हैं। जॉब्स के हवाले से अगर बात कर लें तो फॉरेनर के लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है। बहुत से लोग इसमें आते हैं, वो उनको बहुत से अभी एडवर्टाइजमेंट मैं देख रहा हूँ, फेसबुक पर देख रहा हूँ, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वहाँ पर लोग कहते हैं कि जॉब्स हैं इस तरह के जॉब्स हैं, बाइक राइडर की है, मतलब होटल की है, रेस्टोरेंट की है, कुक की है, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि जो स्कैम होते हैं। एक चीज तो याद रखें कि वहां पे इतने जॉब्स नहीं है क्योंकि वो लोकल लोग करते हैं वहां पे जॉब्स। जब आप बाइक राइडर की लोकल करते हैं तो उनका एक कानून है कि जो काम लोकल करते हैं वो बाहर लोगों को नहीं देते। इसके अलावा जहां पे रेस्टोरेंट की बात है तो कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो पाकिस्तानी इंडियन फूड प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने अपने बंदे लेके आए होते हैं, मतलब वर्क परमिट के लिए एक दो जो उनको मिलते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी पे अनलिमिटेड कोई वर्क परमिट नहीं मिलते कि जिससे आप कहें कि वो सारे उनको वर्क परमिट दे के काम करते हैं। इसके अलावा कोई भी इस तरह होटल वगैरह रेस्टोरेंट में, आपको पता है लैंग्वेज की बात होती है, लैंग्वेज के अलावा भी वो लोकल को देते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों से एहतियात करें। बहुत से ऐसे लोग स्कैम में आ जाते हैं जिनको कहते हैं कि आपको हम होटल में जॉब लेके दे देंगे बाइक राइडर की, तो बाइक राइडर की जॉब हो गई या होटल की जॉब या इस तरह की कंस्ट्रक्शन के जॉब हो गए, इसमें कोई भी आपको TRC नहीं दे सकता और ना ही आप उधर वो करके वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से एहतियात कर लें। अगर आप वहाँ पे आएँ तो प्रॉपर रिसर्च कर लें। आपको पता है आजकल फेसबुक के ग्रुपों ने बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, तो आप उन कम्युनिटी से पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको बंदा बता रहा है कि ये जॉब है, तो आप उससे ये कर लें, कह लें कि ये जॉब की जहाँ पे है उसकी एड्रेस वगैरह ले लें। लेकिन पाकिस्तान इंडिया में जॉब्स के नाम पर बहुत स्कैम हो रहे हैं, तो इसलिए इससे एहतियात कर लें क्योंकि ये बहुत से लोग सफ़र हुए हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।